जी भैया, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप जानते होंगे तो भैया मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी बाइक से ट्रैवल करता हूं, बट आज हम जा रहे हैं कार से। चक्राता में पड़ी है स्नोफॉल मस्त वाली, मतलब यहां से चक्राता ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। एंड अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी मतलब सडन प्लान होते हैं ना तो एडवेंचरस होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ड्रोन, गोप्रो, बैटरी सबके सब चार्ज हो रहे हैं मस्त एकदम। ये देखिए एक डायरी जिसमें हम अपने सारे के सारे वॉइस ओवर लिखते हैं, एंड यही वॉइस ओवर आपको बहुत पसंद आते हैं, मतलब सही बताऊं तो आप दिल जीत लेते हैं कमेंट्स करके। बस कहीं ना कहीं थोड़ा एनालिटिक डाउन है, व्यूज कम आता है, चलता है, इतना होता है, मतलब यू नो यूट्यूबर की लाइफ का एक स्ट्रगल है, ये फेज भी निकल जाएगा, अब हम भी निकलने वाले हैं, बस चलो चलते हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, हम चक्राता पहुंच चुके हैं। भाई चक्राता में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब सब बंद हो चुका है, दुकानें वुकानें। सो वी आस्क्ड दिस होटल स्नो व्यू, भाई बंद था, मतलब भर चुका था, अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चक्राता शहर सो रहा है, हम ही जाग रहे हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सारे होटल फुल हो चुके हैं, होटल का कमरा तो मिल नहीं रहा, अब क्या करें। अगर आप रात के 11 बजे ड्यूरिंग सीजन किसी हिल स्टेशन पर रूम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो स्ट्रगल तो होगा ही। यहाँ पर पे एक MRV करके ये होटल है, इसमें हम देख रहे हैं कमरे वगैरह, बट somehow हमें आधे एक घंटे के स्ट्रगल के बाद रूम मिल ही गया। तो भैया ये तो हमारा पोपट हो गया, कहीं बर्फ है ही नहीं। लेट मी जस्ट शो यू द व्यू, भाई बहुत ही OP व्यू आ रहा है, इधर देखो। I can see all of the mountain peaks covered with snow. वहाँ तक भाई, वहाँ तक स्नो है, बस यहाँ नहीं है देखो। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं चक्राता में स्नो मिलेगी, बट अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा देवबन नाम की जगह, तो अभी वहीं निकलेंगे। So I did manage to get some cool drone shots. भाई देखो व्यू कितना awesome है और बहुत अच्छे ड्रोन शॉट आए हैं। हालांकि वहाँ पे नीचे से कोई समवन वाज शाउटिंग कि भाई ड्रोन नीचे लाओ, किसने बोला उड़ाने के लिए वो, सो क्योंकि दिस होल एरिया बिलोंग्स टू डिफेंस, तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे डिफेंस वगैरह के हैं, मतलब बने हुए यू नो, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के उड़ाया हमने, और मतलब ऐसे कोई शॉट नहीं लिया जहाँ पे कोई डिफेंस की जगह दिखी है या कुछ, तो समझ गए मतलब अगर आपने ड्रोन गलत जगह उड़ाया तो भाई उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब एक तरीके से आपको जेल तक में डाल दिया जा सकता है, इसलिए बी सेफ फ्लाई सेफ। ओके पहले करते हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं आसपास का, फिर चलेंगे वहीं ऊपर देवबन। सो भैया सम ऑफ दिस होम्स स्टिल गॉट सम यू नो ट्रेडिशनल वाइब्स, बस लकड़ी वकड़ी से बने हैं और काफ़ी मतलब यू नो पुराने ज़माने वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, मतलब डेवलप्ड भी है और थोड़ा सा यू नो ओल्ड स्कूल भी है, तो ये एक अच्छा हिल स्टेशन है अगर आप थोड़ा पुराने ज़माने वाली वाइब चाहते हो ना तो आप यहाँ आ सकते हो। एंड भाई व्यू तो हर जगह से मिलता है, ये देखो। सच बोलूँ तो मेरा एक्सपीरियंस होटल MRV का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, यहाँ का जो स्टाफ है वो पोलाइट नहीं था, एंड ऑल्सो कुछ प्राइस में डिस्काउंट वगैरह भी नहीं दिया, तो इससे बेटर आप वीडियो में आगे देखिए, इससे बेटर स्टे आपको आगे मिलेगा। कुछ अलग एहसास है इन वादियों में, ये देवबन का रास्ता, बर्फ़ से ढके ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये सर्द हवा का चलना, बर्फ़ का पिघलना, मौसम का अचानक से बदलना। अब रोड पर इतनी बर्फ आ चुकी थी कि गाड़ियां फिसलने लगी थी, सबके सब अपनी गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब कार में आना इस लाइक ट्रैफिक में फंसना, तो ये चीज हमेशा याद रखें, कार में होगे तो भी ट्रैफिक में फंसोगे, बाइक में मतलब साइड से निकल जाओ मस्त एकदम चील मचाते हुए। देख रहे हैं पूरी की पूरी ब्लैक आई सब, भाई बहुत तगड़ा स्किट मारेगी यहाँ गाड़ी, यहाँ तो कार पार्किंग भी हासिल है। तो भाई धीरे धीरे ले जा, चपट जाएगा। स्प्लेंडर ऑफ रोड कर रही है तगड़ी वाला, इस स्प्लेंडर वाले गिर गए वहाँ। संभाल के धीरे 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 सुनो, पहले दूसरे गियर पे जाओ बिल्कुल धीरे धीरे। यार वो कितना तगड़ा गिरे यार, रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई, मतलब ऐसे सटाक से रपट गए, पूरे हीरो बन के जा रहे थे, पूरा हीरो निकल गया उनके अंदर का ना। हमने सही किया यहाँ पे कार पार्क करके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब मस्त हम नीचे जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ देखो बर्फ ही बर्फ है मस्त, बिल्कुल चाय वाय का इंतजाम भी है वहाँ, इनकी स्नो हाइट्स मारो। तो भाई लोग यहाँ पे आप प्री वेडिंग वगैरह भी करवा सकते हैं अपनी, स्नो सीजन में यहाँ प्री वेडिंग होती है मस्त एकदम, देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।
birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. तो बिहाइंड मी इज द ग्रीन व्यू रिजॉर्ट. आप यहाँ पे कैंपिंग, स्टे और बॉनफायर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं. लास्ट नाइट जहाँ हम रुके थे उससे तो बहुत ही अच्छा लगा इनका, मतलब वे ऑफ टॉकिंग. एंड ऑल्सो इन्होंने हमें बताया कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं. एंड बहुत अच्छा व्यू है, हम वही जा रहे हैं अभी. मस्त मैगी वैगी चाय वाय पी ली है. एंड ये देखो मस्त स्टे है यहाँ पे अच्छे अच्छे. तो बस आप कभी आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा भाई. मतलब सही में यहाँ जरूर रुको यार. मतलब प्राइस भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, 2000 rupees फॉर 4 persons हो सकता है यहाँ पे. सो इट्स अ नाइस प्राइस एंड बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका. दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 500 meters. As we were climbing upwards, weather was changing from sunny to mystic all around us. In hope to see live snowfall, we reached the top. Yes, it was solitude of its kind. तो हमारी इच्छा तो वाला पार्ट चढ़ने की थी, बट भाई वह क्लाउड क्लाउड आ चुके हैं तो कोई जाके फायदा नहीं है. तो भाई लोग नजारे और तगड़े हो चुके हैं, चारों तरफ बादलों से घिरते जा रहे हैं हम. भाई वाइब आ रही है बहुत तगड़ी वाली, है ना, चिल वाइब जैसे बोलते हैं ना. ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो टॉप पे आके व्यू है ना भाई, बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही वर्थ इट है. Got some Himalayan hill buddies. Hey buddy, what's up? These are two of my buddies, very cute. And being with them is very nice. मतलब भाई मजा आ रहा है इनके साथ. कितने प्यारे से देखना यार, इनके लिए बिस्किट लाना था यार. आए तो पीछे वाले रास्ते से, बस हम जा इस रास्ते से रहे क्योंकि ये थोड़ा नया रास्ता है और थोड़ा इजी सा लग रहा है. और हमारे बडीज हमारे साथ है. अरे बेटा आप ये सोचते होंगे स्ट्रक्चर क्या होता है. बेसिकली ये ना पे दुकानें बनाई होती हैं जब पीक सीजन होता है, उसके बाद जैसे बर्फ बर्फ आती है लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, तो सब दुकानें घर वर सब छोड़ के चले जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे बंकर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत ही कूल लगता है, पता है. इन बर्फीली पहाड़ियों में हर किसी का बचपना बाहर आ जाता है. सो हमने स्लाइड किया बट हमें नहीं पता था कि स्लाइड के एंड में क्या होगा. बाबा दैट वॉज ब्यूटीफुल, मतलब दैट वॉज वन हेल ऑफ अ काइंड राइड. मतलब बहुत मजा आया. सोनू भाई की तो पैंट ही फट गई, बोले तो फट गई. भाई अब हम चल रहे हैं वापसी को. चारों भाई मस्त एकदम कार उठाते हैं, घर को निकलते हैं देहरादून को. वैसे तो हमने सुना है कि मसूरी और स्विट्जरलैंड की विंटर लाइन बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ की विंटर लाइन भी किसी से कम नहीं. भैया हमें सैया में, और अगर आप सैया आ रहे हैं तो भाई राजा जी के मस्त मोमोज जरूर खाइए भाई, बहुत अल्टीमेट मोमो मिलते हैं इनके यहाँ. मजा आ गया. So
भैया अगर आप विमल पान मसाला खाते तो ऐसे बन जाते हैं। ये हम जा रहे हैं और खारे जा रहे हैं। ये तो मतलब कहाँ जा रहे हैं? जहाँ रास्ता जाएगा वहाँ जाएंगे। और क्या क्या खा रहे हैं आप? बाहुबली। तोड़ देने तोड़ देने तोड़ देने पत्थर चुप गया भाई। बर्फ देखो कितनी सारी है। कहाँ गया जोश भाई? सिर्फ 5 मिनट और नजारे एक नंबर बढ़ चुके हैं। पर पता नहीं कौन सा बुलेट वाला शोर मचा रहा है यहाँ पे। वहाँ देखो वहाँ बुलेट वाला जा रहा है कोई। भैया शांति से रहने दो पहाड़ों में, क्यों यहाँ बुलेट का शोर मचा रखा है? भैया आपको दिखाते हैं आदि मानव कैसे होते हैं। तो भैया कुछ ऐसा ही पुराने जमाने में आदि मानव एक दूसरे से बात करते थे। दिस इज द चादर होम स्टे और यहाँ पे हम कंफ्यूज है, फ्रंट है बैक का है? इन्होंने ये थोड़ा फ्रंट है यार, अभी बैक है, फ्रंट है बैक है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी उसे सोते हुए को जगा दे क्या भैया? चली चली तेरी रात चली बाहुबली। भाई यार बहुत तेज पड़ा सर पे। आसू भाई ने बर्फबारी कर रखी है। आसू भाई का आतंक है, आसू भाई का नाम चलता है। आसू भाई ये टालिया पर्वत, ये टालिया बाहुबली बाहुबली बाहुबली।